एक नगर में सूरत सिंह नाम का राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिला था। राजा दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, जिसके कारण उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजा के एक पिता के पुराने रसोईया पांडुरंगा, जो बहुत ईमानदार थे, वे इस बात से बहुत दुखी थे कि कैसे इस नगर को बर्बाद होने से बचाया जाए। एक दिन वे अपने घर पर इसी बात पर चिंता कर रहे थे, तभी उनकी बेटी, जिसका नाम सुलक्ष्मी था, वह अपने पिता की परेशानी पूछ बैठी। पांडुरंगा ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। सुलक्ष्मी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर पांडुरंगा बहुत खुश हुए। अगले दिन वे सूरज सिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज आपके लिए जो खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं होंगे। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, पांडुरंगा, आप हमारे पिता के पुराने रसोई हो, इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे। आपसे नहीं बन सकता हो, हम दूसरा रसोईया नियुक्त करेंगे, आप जा सकते हैं। तब पांडुरंगा ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा इसका कारण तो जान लीजिए। कारण यह है कि राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा है, क्योंकि फसल लगाने का खर्च ज़्यादा आता है और मसाले बिकते नहीं हैं, जिसका कारण है मसालों का महंगा होना। राजा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? पांडुरंगा ने जवाब दिया, महाराज, हमारी राज्य में जनता को भोजन तक नहीं मिलता, तो उसमें वे मसाला कहाँ से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते हैं वे राजमहल में चले जाते हैं या फिर आपके मंत्रियों के घर, जो कि बिना पैसे दिए मसाले ले जाते हैं। इस कारण बाजार में मसाले हैं ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत महंगे हैं। राजा ने कहा, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? पांडुरंगा ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है, राजमहल के सभी दरबारी उसे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम वक्त बचा है, अभी तो मसाले बंद हो रहे हैं, आगे खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को अक्ल आ गई। उसने कहा, पांडुरंगा, आज से आप मेरे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रहेंगे, सभी मंत्रियों को फांसी पर लटका दिया जाए। यह सुनकर सभी मंत्री राजा से माफी मांगने लगे। तब पांडुरंगा ने कहा, महाराज, इन्हें एक मौका दीजिए, ये अपना काम सही से करें, नहीं तो सजा मिलेगी। राजा ने पांडुरंगा को सारा कार्यभार संभलवा दिया। पांडुरंगा ने सारी व्यवस्था ठीक करके एक वर्ष में खजाना पहले जैसा कर दिया और जनता के हित में काम किए, जिससे जनता का विश्वास राजा के प्रति बढ़ गया। दोस्तों, हमें इससे शिक्षा क्या मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, एक समझदार व्यक्ति सभी को संकट से निकाल सकता है, जैसे एक रस्सी कुएं में गिरे व्यक्ति को निकाल देती है। धन्यवाद।